देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है। चलो आप ला भी धन्यवाद देसी टॉक में, आप ला भी धन्यवाद। बात की शुरुआत करते हैं, आपके जिन प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई से? मोर प्रारंभिक शिक्षा राम सागर पारा गंजपारा में स्कूल है। हाँ। वो स्कूल में मोर पाँचवीं तक शिक्षा हुई। पाँचवीं के बाद में छठवीं से शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में हुई। वो स्कूल है गांधी चौक में, चकबंदी स्कूल बोला थे। हाँ, 16। हाँ। वो स्कूल में पाँचवीं से छठवीं से आठवीं तक पढ़े हैं। फिर नौवीं से और बारहवीं तक ये गवर्नमेंट स्कूल जो नलघर के पास में है। हाँ। वहाँ पे मोर पढ़ाई हो जी। एक बार आप किस्सा बता रहे हो कि एक जन पुनियादाई कौन रही से ओकर पास से आप सामान लेके चल रहे हो, बारे में बताओ ना आप। हमारे घर के बाजू में पुनियादाई है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। हाँ। पर वो अपन टाइम पास करे बार पान के डिब्बा खोल के रखे रहीस। हाँ। और साथ में वहाँ चूरन के गोली और चॉकलेट और बिस्किट एला भी बेचा है। कई बार हमन मन ओकर से मांगन। हाँ। तो बोले पैसा लेके आओ। हाँ। तो दे हमन मन ला और पैसा बाद में दे देन। हाँ। तो ऐसे करके ओकर से लेके भाग जान। और बाद में वो बाजू में घर रहीस तो शिकायत करे कि वो मोहन आई रहीस और वो है बिस्किट लेके भाग गए, चूरन लेके भाग गए, पैसा नहीं दीस। तो फिर कोई से भी घर वाले मन से बड़े मन से पैसा ले ले। अच्छा, आपके राजनीति में प्रवेश कैसे हुई? हमन मन दसवीं ग्यारहवीं में पढ़त रहे। हाँ। वो समय एक गुरुजी रहीस, वो है बोले कि जोन मोर पास ट्यूशन पढ़ी वही पास होही। हाँ। और जोन ट्यूशन नहीं पढ़ी ओला मैं फेल कर देहूँ। हाँ। और वैसे करीस भी। बहुत सारे बच्चा मन ऐसे रहीस कि जेकर मन के परिवार वाले मन ट्यूशन पढ़े बड़े अलाउ नहीं करे तो वो है सब बच्चा मन ला फेल कर दिस। तो जब फेल कर दिस तो ओकर बाद में फिर हमन मन सड़क पे उतरे हैं और आंदोलन करे हैं। फिर सबके दोबारा पेपर हुई, सब ला पास करे बार पड़ीस। तो वो पहले एक अनुभव रहीस। आप दुर्गा कॉलेज से भी चुनाव लड़े हो और कल्याण कॉलेज से भी लड़े हो? लॉ कॉलेज से भी लड़े हो। लॉ कॉलेज तो दुर्गा कॉलेज में जो अध्यक्ष बने हो वो है 88 में बने हो। अच्छा। 88-89 में। और उसके बाद में फिर कल्याण लॉ कॉलेज के अध्यक्ष बने हो। फिर विश्वविद्यालय के यूआर बने हो, विश्वविद्यालय के एडवाइजर बने हो। वही समय फिर भारतीय जनता पार्टी में हमन मल्ला जुड़े के अवसर मिले। विद्यार्थी परिषद में काम करत करत भारतीय जनता पार्टी के लोगन मन के साथ के संपर्क में हमन मन आ गए हैं। और मन बोले कि अब तुमन मल्ला बहुत हो गए है ये विद्यार्थी मन के राजनीति, अब भारतीय जनता पार्टी में आओ। तो फिर युवा मोर्चा के साथ में जुड़े हैं जी। आप ला लोगन जिन्हें प्यार से कोनो मोहन भैया, कोनो बिज्जू भैया ऐसे टाइप के संबोधन करते जब बाहर आप मिलू, तो अतका प्यार कोनो नेता ला मिलना बड़ा कठिन होते, आप ला का लगते? हाँ, निश्चित रूप से मैं ये मामला में सौभाग्यशाली हूँ कि जनता आज 30 साल से लगातार जिता थे, प्रेम दे थे, अपन स्नेह दे थे और लड़का बच्चा मन से लेके सियान तक है ओकर मन के जो आशीर्वाद मिलते हैं वो बहुत बड़े ताकत है। ठीक है। और मैं मानता हूँ ये जन ताकत है, ये ताकत के दम पे ही हमन मन राजनीति कर पाता जी। मैं बहुत सारा बर बिहाव में गया, 10:30-11 बजे के बाद लोगन कहते नहीं भैया आई, वो मन इंतजार करते थे और आपके आना होते, भले आप लेट आते हो 11:30-12 बजे, लेकिन ऐसे कोई भी कार्यक्रम ऐसे नहीं है, चाहे सुख के चाहे दुख के आप पहुँचो ना, ऐसे लोगन ला इंतजार भी रही थे, आप पहुँचते हो भी? निश्चित रूप से, काबर की मैं पहुँचता हूँ तो लोगन मन लगते कि हमार जनप्रतिनिधि आ जाही, हमार विधायक आ जाही, तो मोर भी ये कोशिश होते कि चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे मैं रात के 2 बजे पहुँचाऊँ, मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि तुम्हार मन जागत हो का। हाँ। अभी दूल्हा दुल्हन है का। और बहुत जन के तो फ़ोन आते कि हमार मन इंतजार करा था करते ना, काबर की वो मन ला मालूम है जो दिन बहुत शादी है कि आज बहुत शादी है तो भैया लेट आई। पर मोर कोशिश ये रही थी कि मैं पहुँचाऊँ और यही लोगन मन ला विश्वास है कि आही करके जी। और एकर खातिर मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं सब जगह पहुँच पाऊँ और ये मोर एक जनसंपर्क के बहुत बड़े माध्यम भी है और लोगन मन के प्रेम करे के एक माध्यम भी है जी। जब भी आप गाड़ी में निकलता हो, जैसे लड़का भी है तो बोलते बृजमोहन जी जावत है, कांवर की आप गाड़ी में निकलता हो तो लाइट जलत रही थी आगू के, तो एक पीछे का कारण है? मैं कि आप 24 घंटा मंत्री के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, हर कोई से तो गाड़ी रोक के नहीं मिल सको, पर आप हमेशा लोगन मल्ला दिखत रहो। ठीक कहना है। लोगन मल्ला ये नहीं लगे कि
कि आप जनता से दूर हो, तो एक खातिर में है कि जनता ला ये नहीं लगे कि कोई मैं छुप के और कुछ करत हूँ और जनता के नज़र में हमेशा बने रहो और एक खातिर में गाड़ी के लाइट जला के और चलता हूँ और अभी मोला 30-35 साल से तो ज़्यादा हो गए कि मैं सामने सीट में रायपुर में कम से कम मैं सामने सीट में बैठ के घूमता हूँ जेकर से लोगन मन से जयराम जी के हो सके नमस्कार चमत्कार हो सके लोगन मन देख सकें और कोई लोग बहुत इमरजेंसी अर्जेंसी रही थे तो वहाँ हाथ मार के रोक भी लेते तो मैं रुक भी जाता हूँ और पुराना दोस्त यार मन भी मिल जाते पुराना साथी मन भी मिल जाते बहुत स्नेहा मन भी मिल जाते बहुत जन बहुत इमरजेंसी काम वाले मन भी मिल जाते। एक ट्रेडिशनल कपड़ा होते जिन राजनीति में रहते हो मन कुर्ता पजामा पहनते आप ज़्यादातर पेंट शर्ट पहनते हो और हर वर्ग में आपके चाहने वाला है मतलब ज़्यादातर युवा मन आपला अपन नेता मानते हैं तो उम्र के साथ कभी ऐसे नहीं हुई कि आप बुजुर्ग टाइप के लगे युवा मन ला और लोगन आपला हमेशा ब्रजमोहन भैया जी कहते हैं तो ओकर बारे में आपका क्या कहना है। मैं ये मानता हूँ कि जो न ये कुर्ता पजामा है ये एक नेता मन के ट्रेंड बन गए है और लोगन मन आदमी आदमी में फर्क नहीं करे और कुर्ता पजामा ला देख के नेता ला गाली दे देते तो मोला लागिस कि कुर्ता पजामा ला छोड़ के आदमी के पहचान कुर्ता पजामा नहीं है ओकर पहचान ओकर काम होना चाहिए। बिल्कुल सही और एकर खातिर मोला लोगन मन बहुत जन बोलिस पर मैं ये तय करे हूँ कि अब मोला पहचान कपड़ा से नहीं करना है मोला अपन पहचान अपन काम से करना है और मैं वो कोशिश में लगे हूँ। तो आज कम से कम लोगन मन कपड़ा से पहचान नहीं कर रहे थे काम से और नाम से और चेहरा से पहचान होते और यही मोर सोच रहीस और मोला लगते कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हमें सफलता मिली। बिल्कुल आप लोग निश्चित रूप से हमें सफलता मिला थे। आप राम सागर पारा में रहे हो पारा के एक अलग माहौल रही थे शाम की निकल गए और पारा में यही रही थे कि काला का पसंद है एक दूसरे लोगन जानत रही थे वो एक बहुत अच्छा अनुभव रही थे ओखर बारे में आप हम लोग बताओ। निश्चित रूप से मोर आज भी मेन जो मोर जुड़ाव है मोर लगाव है मैं राम सागर पारा से आज भी मोर ऑफिस वहाँ है मैं सप्ताह हर बार जाता हूँ वहाँ मोर बचपन के दोस्त यार माने जो कन साथ में और हमार मन मिट्टी में खेले हैं और हाफ पैंट और चड्डी पहन के खेले हैं ऐसे मन भी वहाँ पे है तो अभी भी मैं जाता हूँ तो पारा के जो मजा है तीज त्यौहार अभी भी मैं दिवाली में होली में और कोई भी त्यौहार होते तो रामसागर पारा में ही जाके मैं मनाता हूँ काबर के त्यौहार मनाए के जो मजा पारा मोहल्ला में है अपन घर में है वो और दूसर जगह नहीं है। एकर खातिर वहाँ के अलग मजा है वहाँ के अलग जिंदगी है और वहाँ के अलग रहन सहन है वहाँ के अलग दोस्ती यारी है वहाँ के अलग प्रेम है और वहाँ के बुजुर्ग मन के भी जो आशीर्वाद मिलते वो बहुत बड़ी सफलता देते। बहुत अच्छा बात आप बताए जिसे कई जगह देखेगी इसकी आपके जन समर्थक हैं वो कोनो पार्टी से जुड़े नहीं हैं तब वो आपके समर्थक है ऐसे बहुत कम नेता मन के साथ होते कि जिन ओकर समर्थक कोनो कोनो भी दल से नहीं जुड़े हुए हैं केवल आपके साथ ज़्यादातर देखे मिलते हैं। ये मोर बहुत बड़े ताकत भी है और मैं मानता हूँ ये सौभाग्य भी है और मैं मानता हूँ ये भगवान के आशीर्वाद भी है। पार्टी की बात छोड़ो कि हमार पार्टी के साथ दूसर पार्टी वाले मन भी मोर साथ जुड़े हैं और जब मोर चुनाव आते तो मन वाले लुक छिप के करे कुछ भी करके करे मोर साथ देते और बहुत सारे ऐसे जन है जो नॉन पॉलिटिकल मन है सही गैर राजनीतिक मन है वो मन भी आखिरी दिन चुनाव के 2 दिन खातिर 5 दिन खातिर 10 दिन खातिर और वो अपन अपन मोहल्ला में अपन दोस्त यार मन के पास जाते ये बहुत बड़े ताकत है और वो मोला लगते कि ओकर सबसे बड़े कारण है कि वो मोला लगते कि ये राजनीति में एक सेवा करने वाला लड़का है और ये है सबके साथ देते सबके सुख दुख में आते जाते और मैं यही कोशिश करता हूँ कि ओकर मन के जो विश्वास है ओकर ऊपर में खड़ा उतर सकूँ और ये मोर कोशिश लगातार रही थे कि जो जनता है और जो लोगन मन विश्वास करके मोला 30 साल से जिता थे ओकर मन के विश्वास कभी टूटे नहीं ओकर मन के विश्वास पे मैं खड़ा उतरा। बहुत अच्छा बात है बताया बचपन के दोस्त मन के बारे में बताओ कौन कौन आपके दोस्त थे। मोर बहुत सारा दोस्त है हाँ वैसे तो रायपुर वैसे रामसागर पारा में चले जाऊँ वैसे तो मोर चुनाव में स्टूडेंट लीडरशिप के ज़माना में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं साइंस कॉलेज में पढ़े हैं वो मन भी मोर चुनाव में काम करे वाला थे आते ना तो ऐसे बहुत सारे जन है और मेन तो जो स्कूल के हमारे दोस्त मन है प्रारंभिक प्राइमरी स्कूल देखबे तो फिर रामसागर पारा के दोस्त मन है।
एक जन दोस्त ग्रुप में एक जन रही थे जला दोस्त मन प्रमोट करते नहीं तो आगू चल के काम कर भाई तो मैं बात ही की नहीं ओमन तो हमेशा जब भी कॉलेज के चुनाव लड़न तो ओमन साथ दे। अब ये तो भविष्य में क्या हो ही ये कोई ला मालूम नहीं रहे ठीक है तो हमन मन सोचे भी नहीं रहन कि विधायक बन जान या मंत्री बन जान इसे तो हमन मन सोचे भी नहीं रहन पर जो किस्मत में है जो भगवान की इच्छा है और पार्टी वाले मन ला जो पसंद आई होकर खातिर आज यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा बात। एक दिन मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ बैठे रहे तो वो बताते रहे कि भोपाल में ऐसा व्यवस्था अपन करके रखे रहे हो कि आप अनेक उम्र रहो और एक ला कार्यालय बना दे रहे हो। वो बात सही है? हाँ सही है। हमन मन भोपाल में भी काबर की रायपुर से भोपाल के दूरी रहीस और लोगन मन जाए तो लोगन मन के खाए के पिए के रहे के व्यवस्था नहीं होती रहीस तो हमन मन 12 साल तक विधायक रहन तो फिर विधायक रहन तो वहाँ हमन दोनों विधायक रहन तो हमन मन ला दो फ्लैट मिले रहीस तो एक फ्लैट ला कार्यालय बना देन कि जो मन भी आए वो मन वहाँ रहे और मन के खाए पिए की व्यवस्था होए और एक फ्लैट में हमन मन रहन। तो ऐसे शुरू से कि जोन भी लोगन मन आते वो मन ला का सुविधा हमन दे सकथन ओकर मन के काम कैसे करवा सकथन ये कोशिश हमार रहे और हमार बाकी भी हमन मन अल्हड़ कोई बहुत ज्यादा हमन मन के आवश्यकता नहीं रही तो एक कमरा में चार चार छः छः जन भी सो जान कभी जमीन पे भी बिस्तर बिछा के सो जान तो ऐसे कभो ऐसे नहीं लगिस कि हमन मन कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच गए हैं। जो जनता के ताकत है वही हमार ताकत है एकर एहसास हमेशा रहीस। बहुत सही। आप लोग हमेशा संकट मोचन कहे जाते जब भी पार्टी कोनो भी मुसीबत में आईस या कोई भी ऐसे चुनाव आईस तो आप लोग वहाँ भेजे जाते मतलब जैसे कोई कप्तानी पारी जैसे होते और आप परिणाम भी वही तरीके से दे हो पार्टी ला ओखर बारे में आप हम लोग बताओ। का है कि हमन मन कभी पार्टीबाजी के भेद नहीं करे हैं। चुनाव में लड़ाई लड़थन ओकर बाद में सब एक हो जाथन। पहले मध्य प्रदेश के ज़माने में भी पटवाजी की सरकार में 3 साल मंत्री रहे के अवसर मिलिस फिर अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार छत्तीसगढ़ में बनीस तो इसमें 15 साल मंत्री रहे के अवसर मिलिस तो इसमें हमन मन भेदभाव नहीं करके कि चुनाव लड़ना पार्टीबाजी है और चुनाव के बाद हमन मन ला जब चुन दे है तो हमन मन सबके हन और हमला सबके काम करना है सबसे मिलजुल के रहना है सबके भला करना है कोई के बिगाड़ना नहीं है ओकर खातिर लोगन मन से संपर्क और संबंध ऐसे बन गए कॉलेज के जमाना से स्कूल के जमाना से कि लोगन मन पार्टीबाजी से ऊपर उठकर देखते तो एकर खातिर जो संबंध है वो संबंध के फायदा हमला जतेक भी चुनाव है जतेक भी राजनीतिक काम है उनमें मिल जाते। लोगन मन मैं मानता हूँ कि राजनीति अपन जगह है पद प्रतिष्ठा आने जाने वाला है पर जो संबंध है वो जिंदगी भर है। तो आप पद पर रहो या नहीं रहो एकर खातिर संबंध ला निभाओ और संबंध ला निभाए में कोशिश करता हूँ और वही कारण है कि चाहे कोई उपचुनाव हो चाहे कोई संकट के समय हो उनमें जो लोगन मन ला बात करके मैनेज करना है ओकर रिजल्ट लाना है तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है तो ओकर सबसे बड़े आधार कोई है तो संबंध है। बिल्कुल ठीक है ना। खाए में आप का पसंद करते हो? इसे तो जहाँ तक मोला जानकारी मिर्ची भजी आपके बड़ा फेवरेट प्रिय है बाकी खाए में आप का पसंद करते हो? मैं खाए में पसंद करता हूँ भजिया पकौड़ा में तो मोर सबसे ज़्यादा पसंद है भटा सब्जी में पसंद करता हूँ मैं कढ़ी है पसंद करता हूँ और ये सब चीज़ें वैसे मैं सब चीज़ खाता हूँ मोला कोई चीज़ के ये नहीं है वेजिटेरियन हो कोई भी शाकाहारी चीज़ है बोला मैं खाता हूँ बोला अच्छा लगता है। खेल जिन आप लड़कापन में भी बड़ा अच्छा लगा तरीसो आज भी आप अच्छा लगते हैं वो खेल कौन सा है? सबसे अच्छा मोला शुरू से ये पहलवानी खेल कुश्ती की खेल। अच्छा हमन मन अपन बचपन के हमन मन नहीं पहले हमारे देश बंधु संघ में और वो देश बंधु स्कूल में पहले अखाड़ा रहीस। अच्छा और हमन मन वहाँ पे बचपन में देखे बार जान। अच्छा और कभी कभी फिर वहाँ पे जाके अपन कुश्ती उश्ती कसरत वसरत में भी शामिल हो जान। तो और मैं तो ऑल इंडिया के बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे और बॉडी बिल्डिंग ला कुश्ती ला वेट लिफ्टिंग ला एला में बढ़ाए के हमेशा कोशिश करे हूँ कि ये देसी खेल है और ये खेल मन ला हमला आगे बढ़ाना चाहिए और बाकी तो सब खेल अच्छा है। फुटबॉल के खेल भी हमन मन खेले हैं हमन मन गिल्ली डंडा भी बचपन में खेले हैं मैं कभी कभो आज बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ। अच्छा तो सब वो खेल लड़कापन में पहली कार है जैसे होली के त्यौहार आ गए तो
लकड़ी इकट्ठा करे बर सब पूरा ग्रुप एक जन पहली जावा, आप तो आज कम हो गए, वैसा आप मन गए नहीं गए? बहुत गए हैं, हमारे मन तो बहुत बदमाशी करे हैं। पहले एक बार तो मोहल्ला में से घूमत घूमत लोगन मन के घर के घंटी बजा दें, और घंटी बजा दें तो मन पुलिस ला खबर कर दिस कि कुछ लड़का मन बदमाशी कर रहे थे और हमारे घर के घंटी बजा देते थे। अच्छा। और फिर पुलिस ढूंढल ढूंढल हमन मन ला पकड़ लिस, और जब वो मन ला लगी इसके नहीं एकर मन के कोई बदनीयती नहीं है। हाँ। तो ओकर बाद में छोड़ भी दिस, तो इसे जो सब बच्चा मन करे है। हाँ। वो जमाना में हमन मन भी करे हैं, होली की लकड़ी भी इकट्ठा करे हैं। हाँ। रंग भी खेले हैं, सब करे हैं। छत्तीसगढ़ के आप संस्कृति मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ भाका यहाँ के संस्कृति ला और बगराए बर का प्रयास होना चाहिए? हमन मन ला छत्तीसगढ़ के भाका और संस्कृति ला बगराए बर छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाए, छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार है, हमन मनला ओका मतलब प्रमोट करे बात, और प्रमोट करे के साथ साथ हमला ओका ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, ओकर स्टेप कैसे होना चाहिए, वो मनला राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाकी जो लोक कला संस्कृति अलग अलग राज्य के है उसकर साथ में कंपटीशन कैसे कर सकथन, ओकर बराबरी में कैसे आ सकथन, एकर बारे में जब मैं संस्कृति मंत्री रही हूँ तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय ला एक जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, और बाहर से भी लोगन मन ला बुला कर एक ट्रेनिंग हो जाए, काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति सब बहुत उच्च कोटि के, पर हमारे जो कलाकार है वो ठेठ गवैया है, तो वो मन ला बाकी राज्य के कलाकार मन के साथ में हमारे मन कॉम्पिटिशन कर सकन, ओकर खातिर स्टेप्स और ड्रेसअप और बाकी जो चीज है ओकर जरूरत है, और ओला हमला आगे बढ़ाना चाहिए। आज के तारीख में जोन हमार संस्कृति ला आगे बढ़ाए बर जोन काम हमला करना चाहिए वते काम हमारे यहाँ नहीं होते, भाखा ला बढ़ाए बर भी जोन काम होना चाहिए वो नहीं होते, वो सब काम ला बहुत करे के जरूरत है। हमन मन करे रहन कि तीसरी तक किताब बनाओ, वो सब भाषा ला लोगन बच्चा मन ला पढ़ाओ, अधिकारी मन ला पढ़ाओ, मन ला ट्रेनिंग देव, पर एक बारे में पूरा एक हमला पूरा प्रोग्राम बना के पूरा कोर्स तैयार करके और कोई से जबरदस्ती नहीं करके लोगन मन खुशी खुशी ओला अडॉप्ट करे, ये कोशिश हमारे तरफ से होना चाहिए। ये कोशिश हो ही तो मोला लगते कि छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत गुरतूर और मीठ भाषा है, और वेला लोगन मन अपना सकते हमला अपनाए खातिर लोगन मन ना प्रेरित करे बर पड़े। जी बहुत अच्छा बात आप बताए, बहुत अच्छा संदेश भी आप दे और बताए भी कि कौन तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के भाका ला हम आगू बगरा सकत हन बढ़ा सकत हन। आपके बहुत बहुत धन्यवाद देसी टॉक में, क्या अतका अच्छा सुघर बात आप। चलो देसी टॉक में अखिल जी आप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मोर से बात करे हो, और मोर जोन बचपन से लेके अभी तक के जोन गाथा है वो करके कुछ हिस्सा है आप मोर से पूछे हो, बहुत बहुत धन्यवाद।